बात कराई, क्योंकि सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। जो उनके भतीजे हैं विधायक वो अंदर थे, उनके जो बेटे हैं और परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो अफजाल अंसारी है वो आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर आप बातचीत करते अधिकारियों से नजर आ रहा है। जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी यहां पर मौजूद हैं, और भारी लोगों का जो हुजूम है, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये आगे मेन रोड की तरफ जो सड़क जा रही है, यहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। कुछ लोग वापस अपने घरों की तरफ चले गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी यहां पर जो मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच सुपुर्दे खाक कर दिया गया। कालीबाग कब्रिस्तान में मां की कब्र के पास उसे दफनाया गया, और इस दौरान भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ उमड़ी रही। जनाजे की नमाज के दौरान लोग कब्रिस्तान के भीतर जाने के लिए होड़ मचाते दिखे। बेटे उमर अंसारी और भाई अफजाल अंसारी की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया की गई, लेकिन ये बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त मुख्तार अंसारी का परिवार मौजूद है। और लगातार अपील इस बात की जा रही है कि आप धैर्य बनाए रखें, सबको एक एक करके मिट्टी डालने का मौका मिलेगा, दस दस करके कब्रिस्तान में लोगों को जाने दिया जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने यह चुनौती बहुत बड़ी है, और वो इसलिए है क्योंकि लगातार वहां पर जो भीड़ है वो बढ़ती चली जा रही है, और ऐसे में कब्रिस्तान के बाहर मौजूद भीड़ को संभालना एक बड़ी चुनौती तमाम पुलिस प्रशासन के लिए। और इसीलिए बार बार अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि एक तरफ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो, और ऐसे में किसी भी तरीके से भड़काऊ नारेबाजी अगर की गई, किसी भी तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की गई, तो सीधा जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यह है कि मिट्टी में मिल गया मुख्तार अंसारी, सुपुर्दे खाक कर दिया गया सुरक्षा के बीच। और बात इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ कर